दोस्तों लीडर की तीन खूबियां होती हैं, तीन खूबियां होती हैं जो लीडर बनाती हैं। तीन खूबियां अगर आप में हैं तो आप लीडर बन जाएंगे। वो क्वालिटीज बस आपके अंदर होनी चाहिए, जो सबसे पहला है कि हु नोज द वे, यानी कि विजनरी। कि पहली क्वालिटी अगर लीडरशिप की है तो वो ये है कि आप वो व्यक्ति बनो जो फ्यूचर देख सकते हो, विजनरी हो, विजनरी हो, और जो आगे आने वाला कल भांप सको। खैर हम आने वाले कल में क्या होगा कोई नहीं जानता, बट सोच के देखो, बिल गेट से लेके मार्क जुकरबर्ग से लेके कितने ही लोग, कितने ही लीडर इवन हिंदुस्तान में भी वो विजनरी है नहीं है। धीरूभाई अंबानी जब उन्होंने ये कंपनी अपनी शुरू की तो वो भी एक विजनरी थे, वो भी एक विजनरी थे। उन्होंने भी सारे हिंदुस्तान को धीरे 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 इकट्ठा करने लगे रिलायंस में शेयर होल्डिंग पैटर्न के द्वारा, कि किस तरीके से उन्होंने लोगों को अपने पास जोड़ा और एक विजन के तहत काम करने लगे और धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है लीडर की वो होती है हु नोज द वे, वो रास्ता जानता है किस रास्ते पे उसे जाना है, वो रास्ते को देख सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गलत रास्ते पे चले गए तो खत्म। जितना भी 24 घंटे मेहनत कर लो, 365 दिन मेहनत कर लो, मेहनत कुछ रंग नहीं लाएगी अगर रास्ता सही नहीं होगा। रास्ता बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी ने कहा यहां गड्ढा खोदना शुरू कर दो और आपने शुरू कर दिया, आपने बहुत मेहनत की बट आपने ये तो देखा ही नहीं कि यहां पानी है या नहीं, या ऑयल है या नहीं। आप मेहनत तो करते चले गए, सालों की मेहनत के बाद भी इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, ना पानी मिला ना ऑयल, फायदा क्या? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विजन, फ्यूचर, और ये एक क्वालिटी है। दूसरी, पहला हु नोज द वे, दूसरा जो सबसे ज्यादा दूसरा इंपॉर्टेंट है हु शोज द वे, जो लोगों को वही रास्ता दिखाता हो, वो रास्ता के सफलता का, यार चिंता मत कर, जो ये काम मैंने शुरू किया है आज, डोंट वरी, तुम भी नेटवर्क बनाओ, मेरे साथ चलो, एक टीम बना के काम करेंगे, इस रास्ते पे बढ़ो, ये रास्ता सफलता का है। वो लोगों को कन्विंस करता है, लोगों से बात करता है, लोगों को बताता है, लोगों को बिल्कुल वो रास्ते की पूरा का पूरा बताता है कि किस तरीके से रास्ते पे, उस रास्ते पे चल के आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी क्वालिटी हु गोज द वे, कि जिस रास्ते आप वो दूसरे को बता रहा है उस रास्ते पे वो सबसे पहले खुद चलता है, वो खुद चलता है। हु नोज द वे, शोज द वे, गोज द वे, ये तीन क्वालिटीज एक व्यक्ति को एक लीडर बनाती, एक लीडर बनाती। मेहनत, पैशन, कमिटमेंट, ये अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में चाहिए ही चाहिए, किसी भी काम में उस काम को सफल बनाने के लिए और सफलता पाने के लिए। सिंपल है, ये सब चीजें हमें चाहिए ही चाहिए होती है। हार्डवर्क तो खाना बनाने में भी चाहिए होता है, हार्डवर्क तो हमारे को ड्राइविंग करने में भी चाहिए होता है, हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए, उसको आप मना नहीं कर सकते। पैशन चाहिए ही चाहिए, कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, राइट, वो सब चीजें मना नहीं कर सकते दोस्तों, बट लीडर्स की क्वालिटीज, ये तीन चीजें जो आप में हर किसी में होनी चाहिए। कि आज एक तारीख फरवरी का महीना शुरू हुआ, मेरे को फरवरी में करना क्या है, मेरा लेवल क्या होगा, मैंने आज 2 तारीख को लिख के रख दिया कि मेरा टारगेट है इस महीने मेरे को क्या करना है। और एक विजनरी के तहत आपको यह पता होना चाहिए, यार पिछले डेटा में देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है मेरी तीसरी लाइन जो है वो इस महीने कहीं गड़बड़ है, वो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, तो मुझे इस महीने कहां पे फोकस करना है, तीसरी लाइन। ये 2 तारीख को ही आपको सारी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, 15 तारीख या 20 तारीख तक वेट नहीं करनी। ये एक लीडर की निशानी होती है, वो 2 तारीख को ही पूरे महीने का खांचा तैयार कर लेता है, उसे पता होता है कि कहां डिप होगा, कहां ज्यादा आएगा, हर चीज की कैलकुलेशन प्लानिंग वो करके रखता है।